देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। हम इस समय मौजूद हैं इस खास पेशकश को लेकर बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के सांवघाट ब्लॉक के अंतर्गत। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातें करेंगे आखिर 2022 में किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और किन मुद्दों को ये लोग चाहते हैं। हम इस गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातें करेंगे। भैया, 2022 में किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं और क्या क्या हो, मतलब सरकार में क्या सरकार से आप अपेक्षा आप रख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि हम तो व्यापारी इस नाते अपेक्षा ही रखते हैं कि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, उसके पहले वास्तव में व्यापारी का दोहन होता था, शोषण उत्पीड़न होता था और गुंडों का मवालियों का आज था। लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से गुंडों मवालियों पर लगाम लगा है और दुर्भाग्य से 2 साल में कोरोना इतना प्रभावित करा पूरे प्रदेश को, देश को, इसके नाते यह देश नहीं अपना पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित हुआ। और कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को फ्री में टीका लगवाया। अरबों खरबों खर्चे किए, उसके अगर आंकड़े जोड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसके बाद भी देश की स्थिति ठीक है और व्यापारी भी सुरक्षित है, आम नागरिक भी सुरक्षित है। इस नाते हम जो है यही कहेंगे कि 2022 में योगी मुख्यमंत्री बने पुनः जो है एक बार, और केंद्र में 2024 में सरकार फिर मोदी की बनेगी और कोरोना का काल फिर शुरू हो रहा है। विकास के मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? योगी जी ने कितना विकास किया है? क्या आप परिवर्तन चाहते हैं या पुनः योगी जी को चाहते हैं यूपी सरकार के? विकास हुआ है निश्चित रूप से। देखिए, आपके विकास के नाम पे मुंडरमा की चीनें मिले, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, मेडिकल कॉलेज के नाम पे केवल जो है लालीपाप दिया गया और 13 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए हैं और लगभग काफ़ी चल रहे हैं। बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज बना है, गोरखपुर में एम्स बना है। आज स्थिति यह है कि हम लोगों को अगर लखनऊ दिल्ली इलाज कराने के जाना पड़ता था, वह स्थिति खत्म हो गई है। अपना इलाज बस्ती गोरखपुर में हुआ, उस अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें आपके इस सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो हैं दयाराम चौधरी जी, उन्होंने कितना विकास किया है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? विधायक दयाराम चौधरी जी, जितनी भी उनकी धनराशि थी विकास, उसमें सदर में हमारे जो है विधानसभा निधि का लगभग सारे पैसे उन्होंने खर्च किया है और अभी भी काम चल ही रहा है और हमको तो नहीं लगता कि विकास में कहीं कोई कमी आई है। युवाओं को कितना रोजगार मिल पाया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन 2 साल में कोरोना के नाते स्थिति बहुत भयावह थी और कोरोना ना होता तो निश्चित रूप से विकास हुआ होता और सब होने वाली हैं, सब होंगी, विकास होगा। तो हमारे साथ इसी गाँव के और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया, ये बताइए, इससे गांव का कितना विकास हुआ इस सरकार में? पिछली सरकारों की अपेक्षा काफ़ी विकास हुआ है। एक भयमुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज की स्थापना हुई है। जैसे सड़क, बिजली, पानी, नाली, इन सब की व्यवस्था है, क्या आपके गांव में सुदृढ़ हो पाई है? काफी हुआ। क्या आप परिवर्तन चाहते हैं या फिर योगी जी को लाना चाहते हैं? योगी जी को ही लाना चाहते हैं। अच्छा, अब इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम तरीके से पार्टियां जो है एक दूसरे पर उठक बैठक का, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं, तो इसमें क्या मानते हैं आप? अखिलेश जी कहते हैं हम 300 के पार या 325 के पार जाएंगे, बीजेपी कहती है 325 के पार हमारी सीट जाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर सिर्फ हमको तुम्हें कहना है, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, जो भी कर भी रहे हैं निर्भीकता से, अपराधियों का दमन कर रहे हैं, 100% हम लोग योगी को ही मतदान करेंगे।
हमारे साथ और भी गांव के लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बातें करेंगे। भैया, आप 2022 में किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, या क्या किन किन मुद्दों पे आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो आपके मन में कि उसी प्रकार का सरकार भी यूपी में आए और आपके आप लोगों के लिए काम करे, तो क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, सपा सरकार भी बहुत अच्छी थी, अपने जगह पे सारी सरकारें काम करती हैं, योगी जी की भी सरकार ठीक है, और जो भी इस समय आएगा वोट के समय में, अगर जो सरकारें अच्छा काम करेंगी हम उन्हीं को वोट करेंगे, जो सरकार अच्छा काम नहीं करेंगे हम उनको वोट नहीं करेंगे। जैसे बीजेपी ने तो आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, तमाम ऐसे सुविधाओं को जनता मुहैया कराया जनता के लिए, तो क्या बीजेपी को आप कितना परसेंटेज मानेंगे कि सरकार ये दोबारा फिर पुनः आए यूपी में? नहीं, बीजेपी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, बीजेपी भी काम कर रही है, अखिलेश ने भी काम किया था, तो जहाँ तक देखा जाए सरकार जो भी बनने लायक होंगी, जो अच्छा काम करेंगे, और युवा जिसको चाहेगा वही सरकार बनाएगा। तो अभी आपने देखा, आप कह रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश जी ने पहले भी बहुत काम किया है, लेकिन अब वर्तमान में जो सरकार है यूपी में योगी जी की, इन्होंने भी काम अच्छा किया है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है किस सरकार को हमको चुनना है, क्या बेहतर होगा, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, और तो दोनों में सबसे बेहतर कौन है? देखिए, वर्तमान सरकार जो है लोकप्रिय सरकार है, कारण जनमानस में इनकी छवि बहुत अच्छी है। देखिए, मैं तो व्यापारी हूँ और व्यापारी नेता भी हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का। मेरा ये मानना है कि देश की बातें ना करके इस समय प्रदेश की बातें करना उचित होगा। प्रदेश में 1 करोड़ व्यापारी हैं, जिनके साथ में कम से कम 5 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं, यानी कि 5 से 6 करोड़ व्यापारी, और मैं ये दावा करता हूं कि इस बार सरकार बनाने में व्यापारियों की अहम भूमिका नहीं होगी, बल्कि व्यापारी गेम चेंजर होगा। व्यापारियों के अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम सरकार के साथ मिल बैठ के वार्ता करते रहते हैं, समाधान निकलता रहता है, लेकिन जो हमारे समाज की प्रमुख समस्या है वो विदेशी ई कॉमर्स है। विदेशी ई कॉमर्स के आने से जो छोटे व्यापारी हैं वो मारे जा रहे हैं, उनका व्यापार चौपट हो रहा है। हमारी चिंता ये है कि सरकार को चाहिए कि विदेशी ई कॉमर्स पे ऐसी कोई नीति बनाए जिससे वो जो उल्लंघन कर रहे हैं। आप सरकार से पूरी तरीके से अभी संतुष्ट नहीं है? पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि जो सुविधाएं सरकार से चाहिए, क्या अपेक्षाएं क्या है, सुविधा चाहिए मिल रही है, स्वास्थ्य चाहिए मिल रहा है, सुरक्षा चाहिए मिल रहा है, तो अब इसके बाद हमारी जो अपेक्षाएं हैं अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो कोई भी सरकार उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन सरकार से हमारी अपेक्षाएं लगभग पूरी हो रही हैं, और हम लोग चाहते हैं, व्यापारी समाज के लोग चाहते हैं कि व्यापारियों की तरफ और ध्यान देते हुए पुनः ये सरकार आवे, और इसके बाद जो सरकार आती है भाजपा की, तो व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के क्रम में प्रमुख भूमिका निभाए। एक समस्या बहुत प्रमुख है, हमारे जनपद के साथ में अन्य जनपदों में भी कसौधन समाज के जो लोग हैं उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत यहाँ नहीं हो रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस समाज के बच्चे जो है ना छात्रवृत्ति पा रहे हैं ना प्रवेश पा रहे हैं। तो इस पर माननीय योगी जी का मैं ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आकर्षित कराना चाहूँगा कि प्रमुख समस्या जो कसौधन जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना होना, कानू समाज का जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना होना, इस पर तुरंत ध्यान दें, नहीं तो आने वाले चुनावों में जिन जनपदों में जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है उन जनपदों के उनके परंपरागत मतदाता उनसे बिदक सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, यूपी में अक्सर देखा जाता है कि जातिवाद की राजनीति की जाती है जी, तो क्या लगता है आपको कि जातिवाद की राजनीति कहां तक अब की बार सफल रहेगी? देखिए, जातिवाद नहीं, अब विकासवाद चलेगा। जातिवाद की राजनीति करने वाले आप सत्ता से दूर हो चुके हैं, सत्ता से दूर रहने वाले अब जात की राजनीति करना भी चाहें तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब विकास की राजनीति हो रही है, और मोदी जी और योगी जी की सरकार ने विकास किया है, विकास दिखाई पड़ रहा है। एक्सप्रेसवे देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, शुगर मिल देख लीजिए, अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं। लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, मैं कहता हूँ अच्छे दिन, सुबह 4 बजे हम लोग जाते थे, तो अब अच्छे दिन हम लोग के आ गए हैं, ये अच्छे दिन बने रहे, इसके लिए भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार जी, कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार हमने बहुत किया, लेकिन अभी आंकड़े अगर देखा जाए तो अभी यूपी में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसकी अपेक्षा रोजगार सबसे कम है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का काम है रोजगार देना, अब वो रोजगार किस रूप में हो, लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, सरकार प्रयास कर रही है, दे भी रही है, और आगे आने वाले दिनों में देने भी जा रही है, लेकिन रोजगार
कौशल योजना के माध्यम से रोजगार का सृजन किया गया है। कौशल योजना जो है रोजगार का ही सृजन करती है। इस कौशल योजना के तहत तमाम रोजगार मिलेंगे युवाओं को। मुद्रा आपने देखा होगा, मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को ऋण मिला, वो व्यापारी कर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास बना, इसमें जो लोग काम करते हैं उनको भी रोजगार ही मिल रहा है। तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार का मतलब आपकी आय में वृद्धि हो, वो हो रहा है। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जैसे बीजेपी की सरकार में युवाओं के लिए क्या कुछ अच्छा किया गया है, या फिर आप बीजेपी सरकार फिर चुनना चाहते हैं या इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं सरकार कोई भी रहे, काम बढ़िया होना चाहिए, लोगों को काम धंधा मिलना चाहिए। हम तो गरीब आदमी हैं, यहाँ पर रोडें बहुत खराब है, बस्ती बस्ती जिले में कोई सरकार आई है कभी भी? कभी नहीं। बस्ती का कोई विकास के नाम पे खाली नाम, खाली बिल्डिंग बिल्डिंग बना दें, हमने घर बनवा दिया, लोगों को रहने दे दिया, लेकिन रोडें एकदम बेकार है सर। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमने गरीबों के लिए आवास दिया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, शौचालय दिया, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं? उससे तो मैं संतुष्ट हूँ सर, लेकिन जो यहाँ रोडें हैं किसी सरकार में नहीं बनी है, चाहे सपा का हुआ, चाहे बीजेपी का हुआ, चाहे बहुजन हुआ, कोई सरकार आई है यहाँ का कभी आज तक? सभी सड़कें खराब है, शहरी भी। आपके यहाँ विधायक जयराम चौधरी जी हैं जी, उन्होंने कितना काम किया है, आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया है, उनको 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे? सर, विकास देखिए रोड से ही देखा जाता है, जब सड़कें का नाम मेंटेन रहेंगी तब तो विकास दिखता है, या घर बनाने से नहीं विकास दिखता। अभी आपने देखा हमारे साथ तमाम गांव के लोग जुड़े हुए थे, सज्जन जुड़े हुए थे, तमाम समस्याएं हैं, तमाम मुद्दे हैं जनता जनार्दन के, सड़क, बिजली, नाली, पानी, इन सब चीज़ों को लेकर तमाम अभी खामियां बाकी हैं, लेकिन कानून व्यवस्था यूपी सरकार में पहले की अपेक्षा चुस्त और दुरुस्त है, इसलिए जनता जनार्दन जो है पुनः बीजेपी को ही चुनना चाह रही है। लेकिन कुछ वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब यूपी में परिवर्तन भी चाह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी आने वाले समय में 2022 में किसका पलड़ा भारी होता है, कौन यूपी की सत्ता पर सत्तासीन होता है। खैर, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। बस्ती से हमारे सहयोगी अतुल मिश्रा के साथ रजनीश कुमार पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी के चुनाव यात्रा के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो गया है और आने वाले समय में चंद दिनों में आचार संहिता भी लगने वाली है। इसको लेकर लगातार सभी सियासी दल चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और लगातार अपने यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में जनता का क्या मूड है, क्या एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होंगे, या फिर अखिलेश यादव की साइकिल लखनऊ की गद्दी तक पहुंचेगी? हम जानते हैं कि जनता आखिरकार क्या सोचती है और जनता का क्या मूड है। हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं, महोबा विधानसभा में हम खड़े हैं, क्या है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड और सूबे की सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं, ये हम लोगों से ही जानते हैं कि आखिरकार इस बार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा और बुंदेलखंड किसको सराखों पर बिठाएगा। भैया क्या नाम है आपका? दुष्यंत जमसौरिया। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ। योगी जी कह रहे हैं बहुत काम किया है उन्होंने। वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, नहीं किया काम? नहीं, कुछ नहीं किया। बताइए आप, किसान परेशान है, सब लोग परेशान है। अच्छा, डीजल पेट्रोल सब महंगा कर दिया। अच्छा, गैस फ्री में भी तो दिया, सिलेंडर दिया, आवास दिया। फ्री इसलिए दिया कि एक बार फ्री दिया, फिर आओ तुम 900-1000 हर महीना दो। अच्छा, अखिलेश? हाँ, अखिलेश आएगा इससे। और कोई नहीं? कोई नहीं। ये क्या नाम है भैया? योगेश। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार सपा सरकार आएगी। सपा आएगी? अरे योगी जी ने बड़े काम किए। कुछ नहीं काम, प्रियंका गांधी आई थी अभी, प्रियंका गांधी आई थी। सफाई सही है। प्रियंका गांधी कह रही थी हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे। वो कुछ नहीं, सफाई सरकार सही है। अच्छा, सपा सही है, योगी जी सही नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, ये चचा भी है, चचा क्या नाम है आपका? हमारा सूर रहमान नाम है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार? पुराने कांग्रेसी है और कांग्रेस को हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में क्या
दिल्ली सरकार में हमारा प्रधानमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। अच्छा, हमें सारे काम अच्छे करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला प्रधानमंत्री हमारा ऐसा बनना चाहिए। इन्होंने हम लोगों को बर्बाद किया, एक 5 साल 10 साल लगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ महोबा विधानसभा से कांग्रेस के लिए एक युवा चेहरा जो संभावित उम्मीदवार है वो आए हैं, तो क्या लगता है उनको देख के? नाना उम्मीदवार आए हैं, विधायकी का चौरा वो टिकट ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उनको मिल जाएगा। कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई थी, आप गए थे, प्रियंका गांधी आई थी, बिल्कुल। क्या लगता है, दे पाएंगे स्कूटी और लड़कियों को स्मार्टफोन? अरे वो गए या ना गए, आज मुझे बड़े बड़े नेता वादे करते हैं वो कभी पूरे नहीं करते हैं। अच्छा, लिहाजा जो है वो करें या ना करें, सबसे बड़ी परेशानी हमारी लाइट की, लाइट का बिल जो है गरीबों को बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा गैस सिलेंडर दे दिए, गैस सिलेंडर में और आमदनी बढ़ गई, कंपनी ने और तरक्की कर ली, हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग पैसा रह के परेशान। क्या लगता है कांग्रेस आएगी इस बार? कांग्रेस आएगी, हमारी सरकार यूपी आएगी, में यूपी में आएगी और दिल्ली सरकार दिल्ली आएगी, में भी आएगी, दिल्ली में आएगी। अखिलेश यादव नहीं आएंगे? अखिलेश यादव जो है हमारे संगठन में रहेंगे। अच्छा, हाँ, साथ में वो तो अलग अलग है। नहीं अलग नहीं, हमारे संग रहेंगे। अच्छा, यहाँ और भी कई लोग हैं, क्या नाम है आपका? ये बताइए क्या लगता है इस बार यूपी का क्या है माहौल, बुंदेलखंड का, महोबा का? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी पक्का? ये बताइए, यहाँ बीजेपी विधायक हैं, कभी आपको विधायक जी ने कोई काम कराया है? विधायक जी ने कमाता चुत कोनो नहीं कराओ जे जी के कना इनको बोली बोली बोले के दाल ना उन्होंने दे दिया ये मसाले अबे भी चूरे लेन का। अच्छा, हां प्रियंका गांधी आना चाहिए, आना चाहिए पक्का? पक्का। अच्छा, ये है हमारे साथ, क्या नाम है अभी आपका? सद्दाम नाम है हमारा। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार? यू अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, बहुत काम किया। प्रियंका गांधी भी आई थी, उन्होंने कहा है लड़कियों को, इसको बताओ भैया क्या लगता है कौन आना चाहिए? बीजेपी सरकार। बीजेपी कहाँ, अखिलेश यादव ने बड़ा काम किया? नहीं कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार गरीबों को रहने के लिए मकान दिए है, हर महीने फ्री राशन दे रही है, सिलेंडर दिए है, जो चूल्हे में फूंक फूंक के महिलाएं परेशान होती थी उनको गैस की सुविधा दी गई है। अच्छा, ये सिलेंडर कह रहे हैं महंगा कर दिया, और पहली चीज गुंडागिर्दी गुंडा राज खत्म हो गया। अच्छा, सरकार से हम सहमत है, एक सरकार फिर बनेगी। अच्छा, तो सद्दाम भाई का कहना है कि बीजेपी आना चाहिए, सहमत है, उन्होंने कहा कि सिलेंडर लोगों को दिए और आवाज दिए और कई चीज़ों से गुंडा राज खत्म हो गया, सुशासन बता रहे हैं बीजेपी सरकार को। पर किसी का कहना है बीजेपी आएगी, हमारे साथ ये दादा है, दादा क्या नाम है आप बता दीजिए? इंजन। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार मुझे तो समझ में आ रहा है बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, आपको क्या लगता है किया है काम? भाई जनता अंधा थोड़ी आंधी थोड़ी है। अच्छा, रोज को सब देख रहा है। अच्छा, कि क्या किया, किसने क्या किया। ये बताइए इस बार आपके चुनाव में जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, राष्ट्रवाद होगा, धर्म होगा, विकास होगा या जातिवाद होगा, क्या होगा? विकास। विकास होगा, विकास किया है योगी जी ने? किया है, तो सबकी नजर में आएंगे योगी जी, बिल्कुल 100% आए। अच्छा चलिए, और इनका कहना है कि योगी जी ने विकास किया है और योगी जी ही आएंगे, और भी हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं और इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार क्या इस चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे और विधानसभा चुनावों के क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव जो यूपी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, और इसीलिए यही वजह है कि यूपी के विधानसभा चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जीतोड़ से लगे हुए हैं और लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष में भी अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो, लगातार रैलियां कर यूपी की सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या उनके कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, लेकिन जनता के क्या दावे हैं ये लगातार प्राइम टीवी की इस चुनाव यात्रा के खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाते रहेंगे और आखिरकार बताएंगे कि क्या है बुंदेलखंड का मूड और क्या है महोबा जिले का मूड। हालांकि आपको बता दें कि लोगों में कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों में यूपी सरकार जो योगी सरकार है उसके लिए तो लोगों कम से कम संतुष्ट है उससे, लेकिन यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे लोग खासे नाराज हैं। और ये वजह यह है कि 2017 में प्रचंड बहुमत से मोदी के चेहरे पर लोगों ने जो वोट दिया था उसको कैश कराने में 5 साल में यहाँ के विधायक बुंदेलखंड हो या महोबा
रहा हूँ, यहाँ के विधायक कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके हैं। यही वजह है कि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। अब आने वाले चुनावों की क्या तस्वीर होगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हम ऐसे ही ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या है बुंदेलखंड का मूड और क्या है महोबा की जनता का मूड और कौन बुंदेलखंड के रास्ते लखनऊ की गद्दी तक पहुँचेगा। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज, महोबा। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।